गीता के पेज नंबर 62 यानी 62 में मैं पहुंच चुका हूं। अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि हम युद्ध नहीं कर सकते, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे बाबा हैं, जो हमारे ससुर हैं, जो हमारे मामा चाचा लगते हैं, भाई लगते हैं, मैं उसे वध नहीं कर सकता। फिर आगे क्या बोलते हैं कि ना चेत दीत कत्र नो गर्यो यदा जयम यदि वो ना जयेऊ यान एव हत्वा ना जिजी विषाम यान एव हत्वा ना जिजी विषाम अस्ते वस्तिता परमुखे धार्त राष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनका जीतना या उनके द्वारा जीते रहना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो बोल रहे हैं कि जब हमें नहीं पता चल रहा है कि हम क्या करें, हमें युद्ध जीतना भी चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए, फिर भी वो हमारे सामने युद्ध में भूमि में खड़े हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। उसका यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजयी हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उसके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के स्वार्थ योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। आगे बोलते हैं, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ चेता यक्षे स्यानि निश्चितं ब्रह्मि तन्मे शिष्यते संघं साधि मा त्वाम प्रपनम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन को लग रहा है कि उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और अब श्री कृष्ण की शरण में वो गए हैं, पूरी तरह से समर्पित कर दिए हैं। बोल रहे हैं, भगवान आप ही रास्ता बताओ मुझे,
क्या करना चाहिए। यह प्रकृति का नियम है कि भौतिक कार्य कलाप की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझने मिलती हैं, अतः परमाणु गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ प्रदर्शक बने। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्ति होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दवाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन का उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु आग लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझने को समझने तथा समाधान करने के लिए परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का परमाणु गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, यो वा एतदक्षरम् गार्ग्य विदितालाओक प्रीत स कृपना। कृपण वह है जो मनुष्य जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के बिना, विज्ञान को समझे बिना, कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में लगा देता है। अतः इस अवसर का लाभ नहीं उठाता कि वह कृपण है, ब्राह्मण इसके विपरीत होता है। जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है, ये दक्ष गृहगार की विधि वा शाला प्रतीप स ब्रह्मान देहवात्मा बुद्धि वस कृपण या कंजूस लोग अपना सारा पर समय परिवार समाज देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार की मृत्यु से बचा सकता है, अतः वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज से उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वह भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा उसके उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाह रहा था। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य हैं। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण के अंत अपने ब्रह्म के में कोई अंतर नहीं है,
इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो मनुष्य जब उलझनों में फंसता है, उसे रास्ता नहीं मिलता, तो उसका एकमात्र रास्ता होता है गुरु, अपने गुरु के पास जाइए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। अगले श्लोक में अर्जुन क्या बोलते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।